खरगोन जिले में बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार शाम स्टेट हाईवे 27 से बस नदी में गिर गई। हादसा सनावद और धनगांव के बीच हुआ है। बताया जा रहा है कि बस में 40 से 50 पैसेंजर सवार थे। 20 से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। घटनास्थल पर 10 एम्बुलेंस रवाना की गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले दो दिन जोरदार बारिश होने वाली है। भोपाल में सोमवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। इंदौर में रात 9 बजे से 11 बजे तक जोरदार बारिश हुई। छिंदवाड़ा भी सोमवार सुबह से भीग रहा है। मौसम विभाग ने सिस्टम के एक्टिव रहने से भोपाल, सागर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोहे फिजा इलाके के रामा कॉलोनी में मछली पालन के लिए बने गड्ढे में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्चे के परिजन सड़क हादसे में घायल अपने रिश्तेदार से हालचाल पूछ रहे थे, तभी खेलते खेलते बच्चा गड्ढे में डूब गया। बच्चा सोमवार को ही इंदौर से भोपाल में रहने वाली बुआ के घर पिता के साथ आया था।